टू माय चैनल माइ वाचिंग माय चैनल द वी व्लॉग तो गाइस आप सभी के लिए एक सरप्राइज है तो एक चीज़ लिया है सो तो आपको सभी को मैं दिखाना चाहता हूं मैंने जो लिया वो मुझे अच्छा ही लगा आपको आप कौन बताना कैसा आया कैसा नहीं और कमेंट करना वही जो भी है कमेंट करना आपको कैसा लगा मेरे मुझे तो अच्छा ही लगा सो तो मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूं सो तो वो चीज़ ये है गाइस ये आई हैव हैचे पल्सर 125 ट्वेंटी फ़ाइव बाइक्स होगा इस देख सकते हैं नया नया पल्सर है देख सकते हो आप 125 का लोगो भी है इधर इधर 125 का लोगो देख सकते हो लोगा है इधर और पल्सर का ब्रांडिंग है और ये है चेसी नंबर चेसी नंबर भी इधर है पल्सर 125 है पूरा वर्क है ये इस ये देखो देख सकते हो इनिशन न्यूट्रल पर अभी सो so, मैं अभी इसका और भी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ सो so, अभी से शुरुआत होने वाला है जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई मैं बाइक लूँगा फिर शुरुआत करूँगा तो शुरुआत है इसी से मेरा जर्नी शुरू होने वाला है यूट्यूब का सो so, आप सभी लोग कमेंट करना आप भी सब लोग का आशीर्वाद से का मैं ये ले पाया हूँ आप सबका और मैं मम्मी पापा जो भी है मेरा जो रिलेटिव है जो मेरा साथ का दोस्त वगैरह उन लोग के आशीर्वाद से आप आप सभी के आशीर्वाद से मैं ये बाइक ले पाएगा गाइस तो प्लीज़ सपोर्ट करना लाइक कर देना अच्छा लगा बाइक तो एक लाइक कमेंट और एक शेयर कर देना भाई का सपोर्ट करना तो मैं आपको अभी इस, इसका फ़ीचर वगैरह बता रहा हूँ आप देखिए मुझे इतना कुछ पता नहीं है मैं एक दिन फुल रिव्यू दूंगा इस बाइक का वन ट्वेंटी फाइव बजाज पल्सर का सो पूरा मैं रिव्यू दूँगा आज जितना मुझसे हो सके मैं उतना आपको रिव्यू दूंगा ठीक है क्योंकि तो इसे है ब्लैक ब्लू कार्बन एडिशन देख सकते हो इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है उधर भी थोड़ा कार्बन है ऑलमोस्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बन है इधर इधर भी कार्बन और ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू में बेसिक्स मॉडल सो so, इस मुझे हेलमेट भी दिया हुआ है बजाज की तरफ से और यह है स्पीड सीट वेरियन और भाई इसका जो सीट का कुछ नहीं है भाई बहुत ही मज़ेदार भाई मज़ा आता है बैठने में और और किसी दिन पूरा डिटेल्स में आपको मैं बताऊँगा सो so, हमें मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ अभी सो so, मैं अभी रिव्यू करूँ या क्या करूँ मतलब कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ सो आपको मैं ये दिखाने के लिए गाइस वीडियो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ सो दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है भाई ब्लू ब्लैक कार्बन एडिशन बहुत ही मेरे मुझे बहुत सुंदर लग रहा है और गाइस और एक चीज़ मैंने इसको मैंने इसको कैश में नहीं ख़रीदा है मतलब पूरा कैश लिए नहीं ख़रीदा है मैंने उसको डाउन पेमेंट से ख़रीदा है तो मैंने इसका डाउन पेमेंट अराउंड थर्टी वन दिया हुआ तो आप कैलकुलेट करके निकाल लो कितना होता है मंथली का और कितना होता है साल का मतलब तीन साल का इंस्टॉलमेंट लिया है थर्टी वन थाउजेंड दिया हुआ है तो मेरे भाई मेरा बजट में जितना था मैंने उसके हिसाब से लिया और मैं दे सकता था उससे भी मतलब कॉस्टली वाला पर मैंने नहीं लिया जितना खुद के बजट में हो उतना ही लेना चाहिए तो आगे डिस्क्रेक भी देख सकते हो और और बाइक बहुत ही अच्छा लग रहा है सो so, अभी हमारा जर्नी शुरू होने वाला इस बाइक के साथ ब्लॉगिंग और मैं धीरे धीरे दे इस बाइक का डिटेल्स वगैरह आपको मैं देता रहूँगा और फुल रिव्यू भी फुल रिव्यू भी दूंगा फिलहाल अभी नंबर प्लेट तो आया नहीं मैंने कल ही लाया था शाम को तो मैं आज आज शाम को वीडियो बना रहा हूँ और देख सकते हो आप तो इस जल्दी जल्दी ही जल्दी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं गाइस तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए एक तो गाइस मैं आपको इसका साउंड भी सुना देता हूँ स्टार्ट कर लेता हूँ क्या हुआ भाई हाँ हो गया वही साइज स्टैंड है इसीलिए अभी सुना नहीं साइज स्टैंड है इसीलिए और चीज़ का साइज स्टैंड जब खड़ा रहता है ये स्टार्ट नहीं होता है इसको पहले स्टैंड खड़ा करना पड़ेगा तो करते हैं तो लो खड़ा कर लेता हूँ अभी देखो हुआ भाई इधर हाँ भड़ुआ चेंदु है। है ज़रा स्टार्ट नहीं आ रहा भाई ओ भाई गियर में है ना इसीलिए गियर में था भाई इसीलिए स्टार्ट नहीं आ रहा सुन सकते हो साउंड साउंड सुनो अच्छा साउंड है मैंने आके मैंने इसको कितना किलोमीटर चलाया देख सकते हो इधर फोर्टी वन किलोमीटर तो बस और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर है कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम तो आप अगर आगे का मारोगे तो पीछे का भी पकड़ेगा और आप पीछे का मारोगे तो आगे का भी ब्रेक पकड़ेगा यह मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यह जो साइड स्टैंड वाला बहुत ही बढ़िया लगा गाइस तो हम लोग एक दिन माइलेज टेस्ट भी करेंगे कितना का माइलेज देती है हमारा वन ट्वेंटी फाइव बजाज पल्सर ठीक है और गई मुझे आपको यही अपना बाइक दिखाना था अब मुझे दिखा के आपको बहुत ही खुशी लग रहा है क्या बोलो लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई बहुत ही बहुत ही दिक्कत से मैंने ये बाइक परचेस किया है मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है इस बाइक के लिए इस बाइक के लिए मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया गया इस सो एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्राइब बनता है गाइस इसके लिए ठीक है तो ओवरऑल बाइक का यही था तो मैं एक दिन माइलेज टेस्ट करूँगा एक दिन इसका जो तो रिव्यू है बाइक का फुल रिव्यू करूँगा उसके बाद और क्या है उसके बाद ब्लॉगिंग करूँगा हम लोग डेली डेली हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे ठीक है तो भाई आज के लिए इतना ही मिलता नेक्स्ट वीडियो में विथ माई न्यू बाइक सो टेक केयर सी सुन आज के लिए इतना ही ठीक है तो अभी से भाई ब्लॉग आने तो वाला है इस हम लोग इधर गोप्रो लगाएंगे गोप्रो नहीं आ, गोप्रो बहुत बाद में आएगा क्योंकि अपना अभी इतना बजट नहीं है गाइस हम लेंगे एज़ सुन एज़ पॉसिबल लेंगे जैसे ये लिया गोप्रो भी लेंगे गाइस तो हम लोग इधर फोन लगाएंगे और ब्लॉगिंग करेंगे ठीक है गाइस तो जय हिंद जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हर हर महादेव चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं